नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं जिससे कि आप अच्छा वेल्थ बना सकते हैं। अभी जो तेजी है, अभी जो बैंक निफ्टी में तेजी है, उसे उसमें अगर आप चाहते हैं तो उसमें आप अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। देखिए वो कैसे, अगर आप बात करेंगे निफ्टी का, तो निफ्टी में जो गिरावट आया था हमारा मार्च में, वो लगभग रिकवर कर चुका है। देखिए निफ्टी में जो था वह चल रहा था 12,400 के आसपास, यहाँ पर देख लीजिए 12,226 दिखा रहा है, लेकिन आप टॉप पे देखिएगा तो ये लगभग देख लीजिए 12,352, तो लगभग 400 के आसपास चल रहा था। अभी देखिए ये आ चुका है 11,647, तो मात्र अब जो हमारा बचा है यहाँ से 600-700 पॉइंट बचा है निफ्टी को रिकवर करने के लिए। जबकि हम आपको बैंक निफ्टी दिखाते हैं, देखिए बैंक निफ्टी ये था हमारा अप्रॉक्स देख लीजिए 32,412, तो मतलब 32,500 समझिए। अभी है बैंक निफ्टी कहाँ देख लीजिए 24,523, मतलब अभी भी इसमें जो आपको कितना थाउजेंट बचा हुआ है, 6,000 प्लस 2,000 8,000, अभी बैंक निफ्टी को 8,000 पॉइंट ऊपर जाना है, जबकि निफ्टी को सिर्फ 700 पॉइंट जाना है। तो इसमें अभी काफ़ी तेज़ी बाकी है। और ऐसे भी अगर आप स्टॉक भी देखेंगे, बैंक निफ्टी का जो स्टॉक है सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है किसका, HDFC बैंक का सबसे ज़्यादा वेटेज जो है 28% है बैंक निफ्टी में HDFC बैंक का। अब ये देख लीजिए ये था 1,275 रुपीज़ पर, अभी भी ये 100 रुपया से भी अधिक नीचे है, 150 रुपीज़ नीचे है अभी भी HDFC बैंक अपने ऑल टाइम हाई से। अगर ऑल टाइम हाई यहाँ पर देखेगा तो ये है 1,300, तो 1,300 तो यहाँ से देखेगा तो 175 पॉइंट अभी भी ये डाउन है। आपको अभी काफ़ी रिकवरी बैंक निफ्टी में होना है। और साथ साथ स्टॉक्स की बात करें, ये स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप HDFC बैंक को प्रीफर नहीं करते हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो समझिए आप कोई भी बैंक को प्रीफर नहीं करेंगे, क्योंकि HDFC बैंक पेरेंट कंपनी भी है, जैसे HDFC लिमिटेड, उसके बाद आपको HDFC MC, HDFC लाइफ, तो ये सारा का सारा जो है HDFC ग्रुप की कंपनी है, जिसमें कुछ ना कुछ हिस्सेदारी HDFC बैंक की है। तो एक तरह से आप HDFC बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, तो कई सारी कंपनियों में, मतलब पूरे HDFC ग्रुप में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसी बेहतरीन कंपनियों में आप इन्वेस्ट करना पसंद क्यों नहीं करेंगे। साथ ही साथ रिटर्न देखिए कि कितना बेहतरीन है लॉन्ग टर्म में। आप यहां पर लॉन्ग टर्म में रिटर्न देखिए तो 24,000% का रिटर्न, एक ब्लू चिप कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में इतना बेहतरीन रिटर्न दे रही है। अभी गिरावट के बाद भी देखिएगा तो 21,000% का रिटर्न दे रहा है ये 1999 से 2020 तक में, मतलब 20 साल के अंतराल में। तो ये स्टॉक्स भी काफ़ी बेहतरीन है, साथ साथ निफ्टी बैंक में काफ़ी वेटेज भी है। अगर निफ्टी बैंक मोमेंटम करता है तो निश्चित है ये स्टॉक्स भी मोमेंटम करेगा। उसके बाद दूसरा स्टॉक है ICICI बैंक लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। देख लीजिए चार्ट भी काफ़ी सॉलिड है, जब जब इसमें गिरावट आया ये बैंक काफ़ी सॉलिड रूप से रिकवरी दिखाया। देख सकते हैं काफ़ी बार गिरावट आया, लेकिन काफ़ी सॉलिड तरीके से ये रिकवर किया। इस बार भी काफ़ी गिरावट आई थी इस स्टॉक में, ये स्टॉक्स आपको देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी नीचे मिल रहा था, काफ़ी नीचे, जिसको 52 वीक लो कहते हैं, तो 268 रुपीज़ पर ये स्टॉक्स आपको मिल रहा था, काफ़ी रिकवरी वहाँ से किया है। ये भी स्टॉक देखिएगा लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, मतलब इन्वेस्टर को देख सकते हैं 10,000% का रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को, 10,000% से भी ज़्यादा का, तो इतना बेहतरीन रिटर्न देने वाली कंपनी आपको मिल रही है। साथ ही साथ बात करें, ये भी कंपनी ICICI ग्रुप की पेरेंट कंपनी है, कई सारे कंपनियों में इसका इन्वेस्टमेंट है जो ICICI ग्रुप की कंपनी है, तो एक साथ आप कई सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं ICICI ग्रुप की, तो ये सारे लीडर बैंक हैं, ये सारे जो बेहतरीन स्टॉक्स हैं, तो ऐसे स्टॉक को आप ज़रूर प्रीफर करें मतलब इन्वेस्ट करने के लिए। अब उसके बाद जो हमारा तीसरा स्टॉक है, ये दोस्तों काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। आप जो है बजाज फाइनेंस पे ध्यान देते हैं, लेकिन इन स्टॉक्स पे आप कभी भी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर आपको हम दिखाएं 2003 से अभी तक का रिटर्न, तो देखिए इसका जो मैक्सिमम रिटर्न है देख लीजिए, बजाज फाइनेंस से ज़्यादा का रिटर्न है। अगर आप 2003 से 2020 तक में रिटर्न देखेंगे, तो कोटक महिंद्रा बैंक का रिटर्न है
देखिए 111,000% का रिटर्न, जहां आपको ICICI बैंक 11,000% का रिटर्न दे रहा है, तो वहीं उससे ये 10 गुना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, 111,000% का रिटर्न। दोस्तों ऐसे स्टॉक में क्यों नहीं प्रेफर करेंगे, अभी भी ये गिरावट के, इतना गिरावट के बाद भी 99,000% का रिटर्न दे रहा है। मतलब अगर 10,000 रुपया भी इन्वेस्ट किए होते ऐसे बैंक में, ऐसे स्टॉक में, तो अभी आपके पास करोड़ों रुपया का रिटर्न के रूप में प्राप्त होता। तो दोस्तों ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स है जो अभी भी काफ़ी नीचे मिल रहा है, तो जिसके में अगर बैंक निफ्टी में तेज़ी आती है तो इस स्टॉक में भी तेज़ी आएगा, तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा है एक्सिस बैंक। दोस्तों एक्सिस बैंक भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है और ये स्टॉक्स में भी काफ़ी तेज़ी देखने मिली है। अभी आप देखिएगा तो इस स्टॉक में भी काफ़ी तेज़ी है और ये बैंक निफ्टी को काफ़ी ज़्यादा मूव करा रहा है। अब देख लीजिए यहाँ से 3 अगस्त से अभी 28 अगस्त तक में 22% का रिटर्न दिया है। तो सारे बैंक में तेज़ी है, HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, कोटक बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, ये 4 बैंक मुख्य बैंक है जो कि निफ्टी बैंक को चलाता है, और इस बैंक का भी रिटर्न देखिएगा तो काफ़ी बेहतरीन है। तो कौन कहता है बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक रिटर्न नहीं देते, आप देख लीजिए यहाँ पर 30,000% का रिटर्न ये 2019 तक में दे रहा था, 2020 तक में थोड़ा सा इसमें गिरावट था, 28,000% का रिटर्न, अभी ये काफ़ी गिरावट में आपको मिल रहा है, फिर भी ये 18,000% का रिटर्न आपको दे रहा है। ये स्टॉक्स भी काफ़ी गिरावट आया था इस स्टॉक में, अभी 52 भी खाए देखिएगा तो 765 का है, और जबकि लो बनाया 286 रुपीज़ का। तो काफ़ी दोस्तों ये बेहतरीन स्टॉक में से एक है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये 4 प्रमुख बैंक है, जिसमें HDFC ICICI में ज़रूर आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए अगर आप बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक को प्रीफर करते हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर जो है आने वाले समय में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। अभी पैंडेमिक में ये प्रभावित हो सकता है, अभी जो आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना हो अगर 10 दिन के लिए, 20 दिन, 1 महीने के लिए, तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं इन स्टॉक में, लेकिन हो सकता है उसके बाद जो हमारा सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, इसका असर पड़े, इसमें काफ़ी गिरावट आए, तो ये सारा चीज़ सोच के आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो अपना जो 5% का रिटर्न है, 10% का जैसे मिला तो आप तुरंत उसको बुक कर लीजिए प्रॉफिट और बाहर हो जाइए, क्योंकि गिरावट कभी भी हो सकती है। तो एक अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेन सिचुएशन है अभी बना हुआ है, तो इसमें आपको कभी भी करेक्शन भी देखने मिल सकता है, तो सारी चीज़ें सोच करके आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए, पोजिशन बनानी चाहिए। ये तो हो गया 4 बड़े बैंकों का। अब छोटे बैंकों में भी कई सारे बैंक हैं, जैसे फेडरल बैंक, ये भी काफ़ी बेहतरीन अगर चार्ट पर देखिएगा तो, ये भी जो है अगर हम बात करें तो 2017 तक काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स था, 13,000% का रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट आई है, काफ़ी करेक्शन, और वहाँ से देख लीजिए अभी मात्र ये 6,000% का रिटर्न दे रहा है, जहाँ कि ये दे रहा था कितना, आप यहाँ पर देख लीजिए 13,000% का, वहीं मात्र अब हाफ हो चुका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए रिटर्न। तो मतलब काफ़ी, मतलब 2017 से इसमें गिरावट आया, काफ़ी करेक्शन आया है, तो ये भी स्टॉक बेहतरीन है। ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका था, देख सकते हैं 35 रुपीज़, अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते तभी लगभग आपका कैपिटल 2 गुना हो गया रहता। तो अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये भी स्टॉक बेहतरीन है, डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी शानदार है, और साथ साथ बैंक का रिजल्ट भी पिछले क्वार्टर का काफ़ी शानदार आया था। उसके बाद अगला जो है हमारा IDFC फर्स्ट बैंक। काफ़ी सारे लोग कहेंगे ये अगला नेक्स्ट HDFC बैंक बनेगा, मतलब नेक्स्ट मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला बनेगा इन्वेस्टर को। तो दोस्तों ये मैं नहीं बता सकता, ये आने वाला समय बताएगा। अगर आप इसका रिजल्ट पर नज़र रखते हैं तो लगातार इसके रिजल्ट पर नज़र रखिए, अगर लगातार ये कंपनी लगातार बेहतरीन रिजल्ट पेश करती है तो निश्चित है मल्टीबैगर रिटर्न देगा। तो दोस्तों ये भी बैंक है, अगर आप छोटे स्टॉक को प्रीफर करते हैं बैंकिंग सेक्टर में जो कम प्राइस वाले स्टॉक है, तो ये भी स्टॉक बेहतरीन है, देख सकते हैं आज 5% की तेज़ी है। उसके बाद एक और बैंक है जो कि काफ़ी बेहतरीन लगता है हमें, लेकिन ये पैंडेमिक सिचुएशन सबसे ज़्यादा इसी बैंक पर असर डाला है। अगर सबसे ज़्यादा करेक्शन किसी बैंक में आया था तो देख सकते हैं ये बैंक है, 650 रुपये का स्टॉक मात्र 152 पे आपको मिल रहा था, तो काफ़ी गिरावट आया था, क्योंकि छोटे छोटे जो पूंजी वाले लोग होते हैं, जो हमारे मतलब मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं, उससे भी नीचे उसे ये लोन प्रोवाइड करता है, उसे देता है छोटे छोटे उद्योग धंधों के लिए रुपया, और फिर उसको लेता है, फिर देता है, मतलब अपने जो कस्टमर है उसे छोटे अमाउंट देता है छोटे अवधि के लिए। तो ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है। ये स्टॉक में दिक्कत आ सकती है आने वाले समय में, क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा जो छोटे पूंजी वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इस पैंडमिक से प्रभावित होंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा NPA बढ़ सकता है इस बैंक में। तो NPA बढ़ेगा निश्चित है, स्टॉक में करेक्शन होगा, लेकिन अभी मोमेंटम बरकरार है, अभी
आगे आने वाले क्वार्टर का जो रिजल्ट आता है तब तक के लिए आप इसमें चाहे तो पोजीशन बना सकते हैं, और जैसे निफ्टी में तेजी खत्म होता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है जब स्टॉक मार्केट में रहते हैं, तो कब आपको इंटर करना है, कब एग्जिट करना है, इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। साथ साथ बेहतरीन स्टॉक जो है बैंकिंग सेक्टर का वो है ICICI बैंक, HDFC बैंक। ये दो बेहतरीन स्टॉक है जिसमें आप आंख बंद करके चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कभी भी स्टॉक्स आपको धोखा नहीं देगा। बैंकिंग सेक्टर का ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, साथ साथ ये ग्रुप भी काफ़ी भरोसेमंद ग्रुप है। आप HDFC ग्रुप हो, ICICI ग्रुप हो, इस पर काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं, निश्चित है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर भी, फाइनेंस सेक्टर भी आने वाले समय में आपको काफ़ी बेहतरीन वेल्थ है क्रिएट करके दे सकता है, रिटर्न आपको दे सकता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।